Assalamualaikum guys, welcome back to my another gameplay video. तो मेरा नाम है हाशिर और आप देख रहे हैं वर्ल्ड टेक। तो दोस्तों आज हम जो सी चीज गेमप्ले वीडियो मैं आपको बता देता हूँ, आपको ये लेना चाहिए। मेरा Assalamualaikum guys, मेरा नाम है हाशिर और आप देख रहे हैं वर्ल्ड टेक। तो दोस्तों आज हम जो सी चीज अनबॉक्स करने वाले हैं वो है ये i7s TWS का ये हेडफोन है, वायरलेस हेडफोन है। इसकी अनबॉक्सिंग करेंगे और आपको बताएंगे कि ये 2022 में लेना चाहिए या फिर नहीं, और इसकी प्राइसिंग मार्केट में क्या चल रही है, किस कलर में है, कैसा हेडफोन है, आवाज़ इसकी अच्छी है या फिर नहीं, सब कुछ आपको बताएंगे। आपने क्या करना है, वीडियो करना है लाइक, चैनल पर नए हो तो चैनल को जरूर से करना सब्सक्राइब, और हाँ बेल आइकन भी होगा उसको दबा देना। और हाँ, अगर आप लोग 1000 सब्सक्राइबर कराओगे तो मेरा सेटअप टूर भी आ जाएगा, पीछे जो नज़र आ रहा है काफ़ी अच्छा सेटअप मैंने आप बना लिए, तो आपके सेटअप टूर काफ़ी अच्छा होने वाला है। सब्सक्राइब कर देना यार, 1000 सब्सक्राइबर कराओ ताकि गिव अवे भी हो जाए और सेटअप टूर भी आ जाए, मैं हर वीडियो में बोलता हूँ। और यहाँ पर i7s इससे कॉल भी अटेंड कर सकते हैं, म्यूजिक भी सुन सकते हैं, ऑडियो भी जो है इससे वो कर सकते हैं, आपको नजर आ रहा होगा। और यहाँ पर हम इसको करते हैं अनबॉक्स, काफी अच्छी अनबॉक्सिंग हो रही है। यहाँ पे थोड़ा सा पेन का निशान पड़ा है, बहुत पुराना हो गया, बहुत पुराना मॉडल है, इसको रखते हैं साइड पर। यहाँ पर हमारी आगे डिवाइस जो कि यहाँ से ऑन ऑफ होती है, पीछे से चार्जिंग जो है चार्ज होता है पीछे से, यहाँ पे देख सकते हैं आप काला काला नजर आ रहा होगा। यहाँ से खुलता है, इसकी अलग से एक पाउच मिलता है, पिंक रेड ग्रीन जो सब आप मंगाना चाहते हैं तो मंगा सकते हैं दराज ऐप से। और इसको हम ओपन कर देते हैं, यहाँ से ये प्लास्टिक की बिल्ड क्वालिटी है, इसको रखते हैं साइड पर। ये फुल प्लास्टिक की बिल्ड क्वालिटी है इसकी, इसकी फुल प्लास्टिक की बिल्ड क्वालिटी है और अच्छी बिल्ड क्वालिटी है मतलब। और यहाँ पर एक मिल जाती है टाइप ए टू टाइप सी केबल जो कि इसी काम की नहीं है, आप मोबाइल की भी लगा सकते हैं, इसका कोई काम नहीं है, इसको रखते हैं साइड पर। मेन हाइलाइट्स इसकी पीछे दी गई है, यहाँ पर लिखा है मॉडल i7s TWS का ये लिखा हुआ है। और यहाँ पर वर्किंग टेम्परेचर 10-50 सेल्सियस दिया गया है। इनपुट इसकी DC 5V है और ट्रांसमिशन डिस्टेंस इसका 12 मीटर है, जो कि काफ़ी अच्छी बात है इस हेडफोन में हमें दी गई है, काफ़ी अच्छी बात है। और इसमें प्ले टाइम 3 से 4 घंटे तक दिया गया है और चार्जिंग टाइम 1 से 2 घंटे तक, और यहाँ पर 10x टाइम इसका 100 घंटे दिया गया है जो कि काफ़ी अच्छी बात है। फ्रिक्वेंसी 2.40 GHz की फ्रिक्वेंसी इसमें दी गई है और बैटरी कैपेसिटी भी इसकी अच्छी खासी है। और यहाँ पर आप ये हर किसी मोबाइल के साथ कनेक्ट कर सकते हैं, आईफोन हो या फिर एंड्रॉयड, ये डिवाइस जो है आपके हर मोबाइल के साथ कनेक्ट होने वाला है, काफ़ी अच्छा डिवाइस है। और इसको हम रखते हैं साइड पर, यहाँ पर हम अपनी डिवाइस की तरफ आते हैं, डिवाइस को खोलते हैं इस साइड से खुलता है थोड़ा सा इस तरह से खुलता है। और यहाँ पर नीचे मैग्नेट दी गई है ताकि चार्ज हो जाए, पीछे से चार्ज होते हैं, यहाँ पे पीछे की तरफ मैग्नेट दी गई है ताकि चार्ज हो। और इसका दूसरा भी एयरपॉड्स निकाल लेते हैं, इतना नाम इसका एयरपॉड्स है, यहाँ से ये ऑन होता है लेकिन हम जो है एनफी से ऑन करेंगे। इसको ऑन करते ही एक ब्लू लाइट सी दे देती है और कुछ ब्लूटूथ बोलता है कि ये ऑन हो गया है, ब्लूटूथ मोड। और यहाँ पे आप अपने हर एंड्रॉयड के साथ कनेक्ट कर सकते, काफ़ी अच्छी वॉइस कैंसलेशन ये मुझे दे रहा है, काफ़ी अच्छी, मैं सच बोल रहा हूँ काफ़ी अच्छी वॉइस कैंसलेशन है इसकी, काफ़ी अच्छी आवाज़ भी इसकी सुनाई दे रही है। यहाँ पे ये रेड और ब्लू RGB लाइट्स में हमें दिखाई देता है जो कि काफ़ी अच्छी बात है। और इसको एक बंद करने पर दोनों बंद हो जाएंगे, ये बात मुझे अच्छी लगी। अब बात करते हैं इसकी प्राइस की, प्राइस मार्केट में इसकी 700 से 800 रखी गई है जो कि मुझे पर्सनली बहुत अच्छी लगी है इसकी प्राइस। और ये दराज पे मिलता होगा, अगर सर्च कर लें तो दराज पे भी आ जाएगा, ये बंद हो गया देखें, काफ़ी अच्छी वॉइस है इसकी। और ये आपको 700-800 में मिल जाएगा दराज ऐप से, तो ज़रूर से बाय करना। बस इस वीडियो में इतना ही, मिलेगा जल्दी नेक्स्ट वीडियो में, अल्लाह हाफिज़।